भाजपा के असम के मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगी कि बीच कर्नाटका चुनाव में जो आप खेल खेलना चाह रहे हैं उसमें आप कामयाब नहीं होने वाले। आप उस शख्स पे हमला करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के हमारे भाई श्रीनिवासन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, जिन्हें पूरा देश ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है। जब कोरोना महामारी में भाजपा की सरकारें लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रही थी, लोग मौत के मुंह पे जा रहे थे, उस समय पर श्रीनिवासन हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का और उनकी जिंदगियां बचाने का काम किया। भाजपा जानती है कि कर्नाटका में 40% कमीशन खोर बेईमान सरकार भाजपा की, उसका जाने का समय आ चुका है। वो हार रही है। कांग्रेस 150 सीटों से पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार कर्नाटक में बनाने जा रही है। सुनने में आया है कि असम के मुख्यमंत्री, आपने पहले हमारे गुजरात के विधायक जिग्नेश मिवानी जी के ऊपर दबाव बनाया, उन्हें जेल तक भेजा, पर उन्हें आप डरा और झुका नहीं पाए। उसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी को जहाज से आपकी पुलिस ने उतारकर असम तक ले जाने की कोशिश की, आप सफल नहीं हुए। अब ये तीसरा आपका जो है वो हमला करने की आपकी कोशिश है हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। हमारी पूरी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑक्सीजन मैन हमारे जो है श्रीनिवासन भाई के साथ खड़ी है। आप वही हैं भाजपा के असम के मुख्यमंत्री, शारदा स्कैम में आपका नाम आया था जब आप कांग्रेस में थे, सब देश जानता है, ईडी सीबीआई पूरा आपके पीछे भाजपा ने लगा दी थी, आप भी जेल जाने वाले थे, लेकिन आपने जेल जाने की बजाय भाजपा में चले गए और भाजपा ने हेमंत शर्मा बिस्वा जी आपके सारे भ्रष्टाचार सारे मामले वापस ले लिए और आपको कुर्सी सौंपी और अब सारा खेल कर्नाटका के लोग जानते हैं असम की धरती पर खेला जा रहा है। धन बल पैसा ईडी सीबीआई असम की पुलिस को कर्नाटक के चुनाव में झोंका जा रहा है कि किसी तरह भी अपनी इस भाजपा की हार को आप रोक पाएं। आप रोक नहीं पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी और मुंह तोड़ जवाब असम के मुख्यमंत्री आपको देंगे। बेहतर होगा आप असम के लोगों पर जिन्होंने आपको चुना है आप अपने सारे संसाधन उनके हित में लगाएं, लेकिन आपने अपना धन बल अपनी पुलिस सारी कर्नाटका के चुनाव में हमारे नेताओं को टारगेट करने के लिए झोंक दी है। असम भी देख रहा है, कर्नाटक भी देख रहा है और देश भी कांग्रेस की कर्नाटका की इतिहासिक जीत का गवाह बनेगा।